Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, NCERT Maths Hub. Today in this video, we will do worksheet number 64 for class 10 subject mathematics. And today our topic is median. So, what is median? So, median is defined as middle most value or central value of the variables in the set of observations when the observations are arranged in either ascending order or descending order of their magnitude. Or we can say, median is. द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इट प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन सो मीडियन हमें क्या देती है मिडल मोस्ट वैल्यू देती है जब हम डेटा को या तो सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें और इन डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर लें सो so, मीडियन क्या पास? So, हमारे पास मिडिल मोस्ट वैल्यू है सो आप देखते हैं हमारे पास गवन स्क्रीन पर आप क्या क्या देख रहे हैं हमारे पास सेवन नंबर्स है जब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाता है तो मिडिल मोस्ट वैल्यू में क्या मिलती है फोर मिलती है एंड सिमिलरली इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी हमें क्या मिलती है फोर ही मिलती है जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट में हमारे पास थ्री वैल्यूज हैं राइट में भी थ्री वैल्यूज हैं तो मिडिल मोस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर फोर है सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी हमारे पास क्या मिडिल मोस्ट वैल्यू फोर ही मिलती है सो फोर इज द मीडियन इन बोथ केस सो देखिए जब डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में मीडियन क्या होगा बोथ केस में सेम होगा सो so, नाउ how to find the median for ungrouped data or grouped data so now when the data is ungrouped means we are given number in the or we can say we are given the observation in the series form then and we are to observe first n so n is the number of observation when the number of observation is odd means we are given odd number of observations then the median will be n plus 1 by 2th term so median kya hogi aapke paas n plus 1 by 2th term means for example if we say वी हैव सेवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैन द मीडियन विल बी सेवन प्लस टर्म आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सो हम क्या करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सेवन प्लस वन बाय टू मीन्स फोर्थ टर्म जो हमारे पास होगी वही हमारी क्या होगी मीडियन कहलाएगी नाउट्यूम दैट एन इज इवन सो हेयर एन इज इवन कीप इन माइंड हेयर एन इज इवन सो इफ एन इज इवन दैन मीडियन विल बी एन बाई टर्म प्लस एन बाई टू प्लस टर्म अपॉन टू मीन्स मीडियन क्या होगा जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या होंगी इवन होंगी तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन जब इवन होंगी हम क्या करेंगे जो मिड टू मिडिल मोस्ट टर्म है उनका मीन फाइंड आउट कर लें उनका एवरेज फाइंड आउट कर लें तो वही हमारा क्या होगा मीडियन होगा एंड वैन द डेटा इज इन द ग्रुप फॉर्म मींस वी आर गिवन क्लास इंटरवल एंड रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज देन हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं देन दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन वैन द डेटा इज ग्रुप डेटा सो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच सो वेयर एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास जो हमारी मीडियम क्लास होगी उसी की लोअर लिमिट क्या होगी एल होगी एंड एन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज समिशन ऑफ एफ आई वी कैन से एन इज द समिशन ऑफ एफ आई एंड सी एफ सी एफ इज द कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंटरवल प्रिसीडिंग द मीडियम क्लास देखिए सी एफ क्या है सी एफ जो हमारे पास जो मीडियम क्लास है उससे पहले की जो भी फ्रीक्वेंसी उन सभी का समिशन है सो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरवल प्रिसीडिंग द मीडियम क्लास प्रिस मतलब पहले की तो मीडियम क्लास से पहले जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल से हम सभी का सम्मीशन जो होगा वही पास का so now, F, F H. H हमारे पास क्या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहलाती है सो नाउ फ्रिक एफ एफ इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास एंड एच एच क्या हमारे पास क्लास साइज है क्लास हाइट है और क्लास विथ ऑफ क्लास इंटरवल भी आप कह सकते हैं तो क्लास साइज़ क्लास हाइट और विथ ऑफ द क्लास इंटरवल सो एच इज़ द क्लास साइज़ सो नाओ वी हैव टू एग्जाम्पल्स यू कैन solve these examples with the help of the solution so now we have two questions for practice so let's move ahead for the solution part and the first question is the median of the distribution given is 32.5 find the missing frequency so they can be missing frequency find out but we are given द मीडियन हमें मीडियन पहले से ही गिवन है दैट इज 32.5 सो मीडियन हमें पहले से गिवन है और हमें क्या करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जो कि एफ वन और एफ टू है सो वी आर गिवन क्लास इंटरवल दैट इज़ जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी एंड सिक्सटी टू है सेवेंटी सो एंड फ्रिक्वेंसीज़ आर एफ वन फाइव नाइन ट्वेल्व एफ टू थ्री टू एंड फोर्टी सॉरी दिस इज़ द टोटल वैल्यू Total frequency of Fi we can say this is the 40. So now we need to find missing frequency that is F1 and F2. So we have Ci that is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and 60 to 70. And the frequency column is F1, 5, 9, 12, F2, 3 and 2. एंड नाउ वी आर टू फॉर्म सी एफ कॉलम दैट इज़ कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कॉलम सो हम ये कैसे फॉर्म करते हैं सो देखिए फर्स्ट एंट्री को जो फ्रीक्वेंसी की आपको एच डीज राइट करनी है देन इन दोनों को आपने एड करना है एफ वन प्लस फाइव एंड राइट करना है यहाँ पर देन देखिए एफ वन प्लस फाइव प्लस नाइन करेंगे उसको राइट कर देंगे यहाँ पर दैट इज एफ वन प्लस फाइव प्लस नाइन विल बी एफ वन प्लस फोरटीन सिमिलरली एफ वन प्लस फोरटीन प्लस ट्वेल्व विल बी हेव दैट इज़ एफ वन प्लस ट्वेंटी सिक्स then f1 plus 26 plus f2 will be f1 plus f2 plus 26 and then टू add करेंगे इसमें तो f1 वन प्लस एफ टू प्लस ट्वेंटी नाइन एंड देन plus f2 plus एफ टू प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस टू बिकम ये आपकी लास्ट एंट्री है और ये किसकी कुल होती है एन के इक्वल दैट इज समिशन ऑफ एफ आई के इक्वल होने चाहिए सो समिशन ऑफ एफ आई सो ये already given हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी वैल्यू है इनका टोटल हमें गिवन है दैट इज एफ वन प्लस एफ टू प्लस थर्टी वन किसके होगा फोर्टी के इक्वल होगा यहां लेशन मिल जाता है एफ वन एफ टू के अंदर और सेकंड लेशन कहाँ कहां से फाइंड आउट करेंगे बाय द फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर लेंगे सो नाउ वी आर ऑल्सो गिवन द मीडियन इज थर्टी टू पॉइंट फाइव सो कीप इन माइंड थर्टी टू पॉइंट फाइव इज द गिवन मीडियन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस इंटरवल में जाएगा 32.5 32.5 विल लाई इन द इंटरवल 32 टू फोर्टी सो थर्टी टू पॉइंट फाइव विल लाई इन थर्टी टू फोर्टी सो दिस विल बी द मीडियम क्लास यही हमारी क्या होगी मीडियम क्लास होगी 32 टू फोर्टी विल बी द मीडियम क्लास सो थर्टी टू फोर्टी हमारी मीडियम क्लास है तो उसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी थर्टी थर्टी आपकी क्या है लोअर लिमिट इसमें हम क्या बोलेंगे एल सो एल हमारा क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास सो मीडियम क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी एफ equals टू ट्वेल्व विल बी द मीडियम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास एंड देखिए सी जो लेते हैं हम प्रीसीडिंग क्लास के लेते हैं पहले क्लास का लेते हैं सो सी एफ इज द एफ प्लस फोरटीन सो सी एफ क्या होगा मीडियम क्लास से पहले जो क्लास होती है उनका प्रीसीडिंग जब मैंने बेसिक में स्टडी किया कि एफ प्लस फोर्टीन जो होगा सी एफ जो होगा हमारा इस मीडियम क्लास का हो क्या होगा एफ वन प्लस फोरटीन एंड देट इज द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियम क्लास सो मीडियम क्लास से पहले क्लास का आपको सी एफ लेना होता है So now proceed for the solution. So here we have F1 as 40, and we have already discussed that F1 sorry, Fi that is n equals to summation of Fi that is 40 equals to K plus F1 plus F2 plus 31. So we can see here F1 plus F2 plus 31 equals to 40 and F1 plus F2 equals to 40 minus 31, and this is F1 plus F2 equals to 9. This is the relation number 1 we have. So now here

Median equals to l plus n by 2 minus C f upon f into h so we are already given median that is 32 point5 so thirty two point5 equals to l that is 30 the limit of the median class plus n by 2 that is 20 so put here 20 minus c f cf is f 1 plus 14 so f 1 plus 14 upon frequency that is 12 into h that is height of the class size that is 10 so now 32. माइनस थर्टी को ट्रांसपोज कर दीजिए टू द लेफ्टो हेट विल भी थर्टी टू पॉइंट फाइव माइनस थर्टी इक्वल्स टू ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए सो ट्वेंटी माइनस एफ वन माइनस फोर्टीन अपॉन ट्वेल्व इंटू टेन सो नाव थर्टी टू पॉइंट फाइव माइनस थर्टी विल भी टू पॉइंट फाइव एंड दिस टेन बाई ट्वेल्व विल भी रिसीवल टू द लेफ्ट ट्रांसपोजिंग टू द दिस विल बी ट्वेल्व बाई टेन सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस विल बी जीरो पॉइंट फाइव इंटू सिक्स दिस विल बिकम थ्री

From equation one and equation one we have f1 plus f2 equals to nine and f1 we have as three. So put here three. So three plus f2 equals to nine and f2 will be nine minus three that is six. So f2 equals to six. So we have f1 as three and f2 as six. So we get values f1, f2, as three and six. So this is all about question number one. So now proceed for question number two. So in the question number two, we are given statement as find the median weight of 30 students as per the distribution. Given below, so we are given the distribution table. So we are given weight of thirty students. That is forty to forty-five kilogram. Number of students is two for the weight forty-five to fifty kilogram. Number of students is three for the weight fifty to fifty-five kilogram. Number of students are eight, and for the weight fifty-five to sixty kilogram, number of students are six. And similarly for the students, for the weight sixty to sixty-five kilogram, number of students are six. And similarly for the weight sixty-five to seventy kilogram, number of students are three and similarly for the weight 70 to 75 kilogram number of students are 2 so the key weight we have okay, class interval hai, and that is the class interval in the weight and number of students are number of students are frequency column that is fi column so write the information into column form so we have three columns as first column is weight in kilogram and second is number of student that is frequency column and third column will be cumulative frequency so फर्स्ट क्लास इंटरवल इज़ फोर्टी टू फोर्टी फाइव सेकेंड फोर्टी फाइव टू फिफ्टी थर्ड फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी एंड सेवन टू सेवेंटी फाइव सो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू थ्री एट सिक्स सिक्स थ्री एंड टू सो नाउ देखिए हम कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कॉलम कैसे फॉर्म करते हैं आपको बताया था कि फर्स्ट एंट्री आप एज इज राइट कर लीजिए देन हमें क्या प्रीवियस फ्रिक्वेंसी को ऐड करते चले जाना है सो so, 2 प्लस 3 विल भी 5 है 5 प्लस 8 विल भी 13 है 13 प्लस 6 विल भी हेयर 19, 19 प्लस 6 ट्वेंटी 25, 25 फाइव प्लस थ्री विल भी हेयर ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी एट प्लस टू विल भी है थर्टी सो हमें जो लास्ट एंट्री मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें एन मिलेगा जो कि हमें समिशन ऑफ एफ आई के इक्वल होता है सो so, ये मैं ऑलरेडी क्यों ना दट इज थर्टी सो यहाँ पर आपका समिशन जो टोटल लास्ट आना चाहिए वो थर्टी आना चाहिए एन के इक्वल होना चाहिए इफ देर इज एनी मिस्टेक देन आपको कर लेना चाहिए डेटा को सो so, प्रोसीड सो so, देखिए हमारे पास क्या है तो सबसे पहले आपको क्या करना है एन चेक करना है एन हमारे पास कितना थर्टी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास थर्टी हैं सो हेयर एन इज़ समिशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू थर्टी सो एन बाई टू विल बी हाफ ऑफ थर्टी दैट इज़ थर्टी बाई टू इक्वल्स टू फिफ्टीन सो हमें मिल जाता है फिफ्टीन सो so, आपको चेक करना है देखिए डेटा यहाँ पर सो so, आप देखते हैं कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कॉलम आपको देखना कि फिफ्टीन कहाँ लाई करता है सो so, आप एक बार देखिए फिफ्टीन कहाँ लाई करेगा सो देखिए नंबर टू स्टूडेंट्स आर हेयर फाइव हेयर एंड थर्टीन टिल थर्टीन हेयर And 14 onwards lie in the interval 55 to 60. 14 to 19 will lie in the interval 55 to 60. Keep in mind, I am repeating number of students after 14, 14 to 19 students will lie in the interval. फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी सो द दिस विल भी द मीडियम क्लास सो मीडियम क्लास आपका होगा फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी विल भी द मीडियम क्लास सो आपको यहाँ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि जो हमारी एन बाई टू वैल्यू कहाँ एग्जिट करती है वो एग्जिट करेगी आपकी फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी में सो एल विल बी द लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास सो हेयर लोअर मीडियम क्लासेज फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी एंड लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लासेज एल इक्व टू फिफ्टी फाइव एंड फ्रीकुवेंसी ऑफ मीडियम क्लासेज सिक्स एंड कम्युनिटी फ्रिकुवेंसी वी आर टू कैलकुलेट वी आर टू एज्यूम दैट इज वी आर टू कंसिडर क्लास प्रिसडिंग द मीडियम क्लास दैट इज एफ सी एफ इक्वल्स टू थर्टीन सो हमें सी एफ मिल जाता थर्टीन सो पुट ऑल द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला, सो हियर वी हैव एल एज फिफ्टी फाइव एच एज फाइव फ्रिक्वेंसी एज सिक्स एंड सी एफ एज थर्टीन सो पुट ऑल द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच सो हेयर एल इज फिफ्टी फाइव एन बाई टू इज फिफ्टीन सी एफ इज़ थर्टीन एन अपॉन एफ देट इज़ सिक्स इंटू एच दैट इज द क्लास साइज इज फाइव सो फिफ्टीन माइनस 13 that is 2, 2 by 6 will be 1 by 3, so 5 by 3 and this will be 1.67. So 55 plus 1.67 will be 56.67 approximately. So thus the median weight of 30 student is 56.67 kilogram approximately, and this is all about question number two and worksheet number 64. So if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.